कि डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ द गिवन फंक्शन. अब बट गिवन फंक्शन जो है दैट इज नॉट द कॉस एक्स, मतलब वो एक्स का फंक्शन नहीं है, वो कॉस जो है रूट एक्स का फंक्शन है. ठीक है, इसका मतलब अगर यहां एक्स की कोई वैल्यू इनपुट करते हो तो सबसे पहले आपका अंडर रूट ऑपरेट होगा. ठीक है, अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट का मतलब हुआ पावर 1/2, और फिर कौन ऑपरेट करेगा, कॉस ऑपरेट करेगा. तो ये सीक्वेंस हो गई, दैट इज आउटर फंक्शन, देन इनर फंक्शन, और ये आखिरी इनर फंक्शन हो गया. तो ये एक चेन हो गई, चेन की ये पहली कड़ी हो गई और ये चेन की क्या है, आखिरी कड़ी हो गई, जो एक्स का फंक्शन है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएट जो आउटर फंक्शन है पहले एट ए टाइम उसे सिर्फ डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपका माइनस साइन हो जाएगा. ठीक है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हो गया, और अंदर जो भी कॉस के था वो लिख देंगे अंडर रूट एक्स, और फिर क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे. ठीक है, दैट मींस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन लिखोगे. ठीक है, तो 1/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, मतलब यहां पे आप 1/2 और जो भी अंदर है 1/2 माइनस 1, अंदर क्या था आपका x था, तो ये पावर कितनी आ जाएगी आपकी, x की पावर माइनस 1/2, और x की पावर माइनस 1/2 का मतलब हुआ 1/√x या 1/x की पावर 1/2, और 1/x की पावर 2 को क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट एक्स. ठीक, तो फाइनली आपका क्या आ गया, दैट कम्स आउट टू बी माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2√x, दैट इज योर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स.